आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हफ्ते में हम दो बार ये प्रेस ब्रीफिंग देते हैं विद रिगार्ड टू कोविड। तो सेकंड सर्च में हमारे 1703 केस अभी तक आए हैं, जिसमें से 1544 रिकवरीज हुई हैं, जिसमें होम रिकवरीज जो हैं 1418 हैं और हॉस्पिटल से रिकवरीज जो हैं 126 हैं। आज की डेट में भी हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर 8 पेशेंट्स जो हैं कोविड के वो एडमिटेड हैं। जो हमारे एवरेज टेस्ट डेली टेस्टिंग हो रही है वो हम 1000 के ऊपर कर रहे हैं, कभी 1200-1300 के बीच में हमारी एवरेज टेस्टिंग चल रही है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने के लिए 3 नाकाज हैं या एंट्री पॉइंट्स हैं, जिसमें एक ठाठरी है, दूसरा हमने टेकरी चिंगाम के पास रखा है, तीसरा नाका जो है वो आफ्ती बाड़वन में है। इन तीनों नाकों पे कांस्टेंट टेस्टिंग चल रही है जो लोग एंटर कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव लोग भी आ रहे हैं जिनको हम ट्रेवलर्स कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट नो डाउट डिस्ट्रिक्ट में कम हुआ है। और वीकली पॉजिटिविटी रेट जो हमारा है वो 1.28% है। तो पॉजिटिविटी नो डाउट रेट कम है, लेकिन पॉजिटिव पेशेंट्स अभी भी निकल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा कि अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़ें, प्रॉपर मास्क पहने, जिस तरह की सरकार डिफरेंट टाइम्स पे डायरेक्शन दे रही है उनको फॉलो करें, ताकि ये नो डाउट कोविड केसेस कम हुए हैं बट खत्म नहीं, ये कभी भी इरप्ट हो सकते हैं वापस। तो हमें सावधानी जो है उसको नहीं छोड़ना है, ताकि हमारे बाजार खुले रहें, हमारे कारोबार चलते रहें, जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको बंद ना करना पड़े। ये बहुत जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए मैं सबको अपील करूंगा कि वो सामने आए। हमने 45+ जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए पिछले 3 दिनों से होम टू होम टीम भेज रहे हैं, और जितने भी बचे हुए लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। आल दो कुछ जगह हमारे पास रिजेंटमेंट भी आ रही है, लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अगर कल उनकी वजह से कोविड फैलता है तो उनको बुक किया जाएगा एपिडेमिक एक्ट से। ये मेरी उनको वार्निंग भी है और अपील भी है कि वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपने आस पास के लोगों को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। तो वैक्सीनेशन से कोई हार्म नहीं होने वाला, उल्टा हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ 18-44 इयर्स भी वैक्सीनेशन जो है वो कांस्टेंटली चल रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमने 8000 से ऊपर लोगों को 18-45 कैटेगरी में भी वैक्सीनेट किया है। यहां तक 45+ का तल्लक है, हम 50,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है जिसका हमने टोटल सर्वे भी कर लिया है, उसके हिसाब से हमारी वैक्सीनेशन 90%+ जा चुकी है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकली इल हैं, हम उनको वैक्सीनेट नहीं कर सकते, या जो कोविड पॉजिटिव थे उसमें भी 25-30 लोग ऐसे हैं जिनको अभी 3 महीने तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट डोर टू डोर कंपेन में हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको वैक्सीनेट किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे कंटेनमेंट मेजर्स हैं, जो स्ट्रिक्टनेस हम लोगों ने की है, उसके असर भी दिख रहे हैं। अभी तक 1 अप्रैल से हम 12,70,000 के करीब फाइन जो है वो कलेक्ट किया है। इसके साथ साथ जो व्हीकल फॉलो नहीं कर रहे कोविड प्रोटोकॉल को, उनको चालान भी किए गए हैं। हमारी जॉइंट टीम्स मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की डिफरेंट एरियाज में लगाई गई हैं और वो अपना काम बखूबी कर रही है।